मैं ये जर्नी इसलिए करूँ ताकि लोग आपसे एसोसिएट हो जाए, देन वील कम टू जिन भूत। तो आप हमें बताइए फिर आप बॉसीगोर गए, इनिशियल चैलेंजेस क्या थे, हाउ डिड यू ओवरकम दोज चैलेंजेस? इनिशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े थे क्योंकि मैं, जैसा आप जानते ही हैं कि लिक्विडिटी इज ऑलवेज नो इशू इन द पब्लिक सेक्टर, आई एग्री, क्योंकि लाजमत है गवर्नमेंट पीछे खड़ी होती है और फिर आप वैसे भी एक स्मूथ थे नेचुरल रिफाइनरी में, तो एंड द अदर वे राउंड 180 डिग्री पाइको में जो है ना, और हमें बॉसीगोर, अभी बॉसीगोर थी उस वक्त ना, और हमें एक रेस्पेक्ट की भी आदत थी कि भाई अगर ओग्रा में भी जा रहे हैं तो सबसे आगे बैठेंगे, मिनिस्ट्री में जा रहे हैं तो सेक्रेटरी का दरवाज़ा भी ऐसे ही खोल के चले जाएंगे मिनिस्टर का भी, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट 22 रैंक के हिसाब से चलते थे। तो अब यहाँ आके अपने आप को चेंज करना था बिल्कुल, क्योंकि अब बैंकों के वो बैंक वाले मेरे पास बैठे होते थे, अब मुझे जाना होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो अपने आप को एडजस्ट किया और उसमें कामयाबी भी हुई माशाल्लाह। और फिर हमने दो फाइनेंशियल क्लोज करा दिए, लार्ज फाइनेंस जिसके बाद से ही ये जो है ना, बड़ी रिफाइनरी का भी फाइनेंशियल क्लोज मैंने कराया और छोटी रिफाइनरी की एक्सपेंशन का भी फाइनेंशियल क्लोज। तो मैं इस पर ऐड करता चलूँ कि जब वो असद भाई बॉसीगोर गए तो उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी 30,000 बैरल थी, बट वो ओरिजिनली 14-15 पे चल रही थी, सो दे एक्सपेंडेड इट टू 30,000 या 33,000। फिर अनदर फेदर इन द कैप इज ब्रिंगिंग द मिल्फर्ड हेवन्स 1,15,000 बैरल्स की रिफाइनरी रीलोकेट करना, इट वाज लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट। एक्सॉन एंग्रो करती थी तो लोग कहते थे हाँ कर लेंगे, आप लोगों ने किया, बहुत सारे स्टिग्मास थे, बहुत सारे टैबूस थे। अच्छा, आपने वो भी फाइनेंशियल क्लोज करवा दिया, फिर बीच में आपको ये क्यों ख्याल आया कि मैं जाके लोहार बन जाता हूँ कुछ अरसे के लिए? क्या नवाज शरीफ साहब आपकी इंस्पिरेशन तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं, वो एक थोड़ा सा एक समझे मेरे पर्सनल लाइफ में एक बीच में एक थोड़ा सा पैच ऐसा आ गया कि बहुत देर देर तक, क्योंकि यहाँ पे काम करते थे और मुझे ज़रा जल्दी सोने की आदत है, तो उसकी वजह से एक मुझे हेलीकॉप्टर पाइलरी खेलते हैं तो वो चीज़ हो गई थी, अल्सर टाइप ना, तो देट वॉज इन माई बैक ऑफ माइंड के कोई बहुत सीरियस चीज़ है, तो मेरा वज़न भी गिर गया था। तो आई डिसाइडेड कि अगर मैं ऑयल सेक्टर में रहूँगा ना तो वो तो टेंशन कम होगी नहीं, तो ये मेरी और ये आपका प्रॉब्लम था कि आप काम की स्ट्रेस पर्सनल बना लेते थे, ये मेरा हमेशा से ना ये था। तो मैंने कहा यार मैं ऑयल जो है ना, अब मुझे बहुत रोका उन्होंने कहा हमारे दूसरे किसी उसमें चले जाओ, ऑयल में नहीं आओ, लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे हर हाल में, क्योंकि मेरी आदत है, इवन PRL ने मुझे ऑफ़र करी कि वहाँ आ जाओ, तो मैंने उसको भी मना कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रा सुकून की होगी, लेकिन मैं साथ साथ तारीफ और बुराई करता चाहूँ, PRL पाकिस्तान का इस वक्त सेमाई स्टेट ओन्ड इदारा है, PSO की मेजर शेयर होल्डिंग है, और जितना आप लोगों ने बॉसीगोर को आज सिनर्जी को तक पहुँचाने में कंट्रीब्यूट किया है, दी ओनली एक्सपेंशन PRL एवर डेड वॉज एडिंग एन आइसोमराइजेशन यूनिट। अब वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। अच्छा, तो फिर आप पाइप बनाने गए तो फिर क्या हुआ? तो बस वहाँ पर पाइप बनाने गया तो सच्ची बात है कि एक, मैं आपको सच बताऊँ, एक बैंकर की, बहुत ही सीनियर बैंकर मेरे कमरे में आई, तो वो जानती थी मुझे नेशनल रिफाइनरी के ज़माने से, तो कहने लगे यार असद तुम तो मेरे ख्याल आधे एक घंटे में सारा काम ख़त्म करके यहाँ पे तो करते क्या हो? मैंने आपसे कहा रिफाइनरी या ऑयल में ना इतने ज़्यादा वेरिएबल, अभी आएंगे उस पर, मेरे पास बड़े सवाल हैं आपके, वो अगर आपने कर लिए ना तो फिर आप दूसरी चीज़ों को रिलेटिवली आसान लगने लगती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ फिर जाके थोड़ा सुकून हुआ, फिर तबीयत में समझ में आया कि सिर्फ साइकोलॉजिकल था, फिर आपने कहा मज़ा नहीं आ रहा चलो वापस चलें, तो देन यू केम बैक टू बाइको। अच्छा ठीक है।